बीजेपी का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि वो जो लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, पूरे 4.5 साल में केवल लोगों को भ्रमित करने का काम किया इस वर्तमान सरकार ने, कोई काम किया नहीं है। किसान हो, रोजगार के संबंध में हो, चाहे इनका कोई ऐसा विभाग हो, सारी व्यवस्था इनकी चौपट हो चुकी है। कानून व्यवस्था नाम की चीज प्रदेश में रही नहीं, सारी व्यवस्था। किसान 9 महीने से धरना दे रहा है, किसान की कोई जाति होती है, किसान की सुनने वाला नहीं है। तो इनकी जो असलियत है लोगों के बीच में आ गई है। और ये नोएडा में हमारे सतीश चंद्र मिश्रा जी ब्रह्म समाज का बहुत बड़ा सम्मेलन था, सर्व समाज के लोग यहाँ। प्रदेश नंबर वन कैसे बन गया जब कुछ काम ही नहीं हुआ? इनके कहने से बन गया, लोग तो सब त्रस्त हैं, लोग तो सड़कों पर त्राय त्राय कर रहे हैं। कोरोना में दूसरी लहर में कितनी हालत खराब हुई, ये कहाँ थे? ऑक्सीजन पैदा, डेड बॉडी सड़कों पर पड़ी डोली, गंगा में बह गई। ये कहते हैं गंगा मैया को हम शुद्ध करेंगे, ये कहाँ थे? ये तो नजर ही नहीं पड़े। डॉक्टरों ने बहुत सहयोग किया है, लोगों ने सहयोग किया, ये तो कहीं नजर ही नहीं पड़े भाई साहब। लेकिन पीछा कर रही है मोदी सरकार की, मुफ्त टीका, मुफ्त इलाज, मुफ्त राशन, ये अपने घर से कर रहे हैं। देश का पैसा देश में ही लग रहा है, मुफ्त लोग हैं, हम लोग कमा के दे रहे हैं सरकार को, ये तो चलता आ रहा है, ये तो कानून है, उसके अनुसार सब चल रहा है। ये अपने घर से नहीं लगवा रहे हैं। जो अनाज का कट्टा है उसमें मोदी जी का फोटो छपा है, शिवराज का फोटो है, योगी का फोटो है, 300 रुपए में फोटो छप रहा है और 10 रुपए का अनाज दे रहे हैं। भैया इन्होंने तो हालत ही खराब कर दी, 300 रुपए में फोटो छप के आया है और 10 रुपए का अनाज दे रहे हैं लोगों को, तो इससे बड़ा ठगाई क्या करेंगे? तो क्या विज्ञापन की सरकार है क्या ये? विज्ञापन की सरकार तो ये 4.5 साल से चली रही है और सबको पता है ये तो। लेकिन योगी जी कहते हैं कि 4 साल बेमिसाल, 4 साल खुशहाल, ये भाजपा वाले ही कह रहे हैं और कोई नहीं कह रहा। गाँव की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, गाँव में बोर्ड लग गए हैं, भाजपा का आना मना है, एमएलए एमपी गायब। लेकिन दिल्ली में आईटीओ से लेकर के क्राउड पैलेस तक बड़े बड़े प्रचार प्रसार किया है कि यूपी जो स्मार्ट नंबर वन बन गया है उत्तर प्रदेश। कहाँ थे किसान परो बॉर्डर पे, कहाँ थे बताओ तुम? किसान को गेहूं बिक्रो ना, किसान को गन्ना को पैसा आयो ना, कहाँ थे इनके कहने थे? लेकिन पंडित जी आप नाराज क्यों हैं इतने बीजेपी से? बीजेपी भैया ब्राह्मण समाज को सबसे ज्यादा अगर उत्पीड़न भयो तो या बीजेपी की सरकार में भयो है, ब्राह्मण सबसे ज्यादा अगर पीड़ित है तो या भाजपा की सरकार में। इन्होंने तो भाजपा ने तो विप्र समाज को ये समझ लिया, ये तो कोई है ही नहीं इनकी भागीदारी। समाज के कई मंत्री हैं, डिप्टी सीएम है दिनेश सर, भैया बसपा में भी मंत्री है, बिजली मंत्री, लेकिन ऐसे हमने मंत्री ना देखे कि ये बोले ही ना, अपने समाज के संबंध में कोई बोले तैयार ना, बताओ ऐसा तो कोई हमने देखो ही ना। और विप्र समाज जाग चुका है, अभी मिश्रा जी ने मंच के माध्यम से कहा कि 16% प्रदेश में हमारी भागीदारी है और हम भाईचारा बनाने के लिए तो आए, अलीगढ़ से नोएडा में आए, हम भाईचारा ही तो बना रहे हैं। तो बीजेपी में सुरक्षित नहीं है आप लोग? बीजेपी में सुरक्षित होते तो हम आपके सामने क्यों अपना दर्द बयां करते? जितनी उपेक्षा हमारी भाजपा में हुई है कहीं नहीं हुई, और हम बसपा में वापस है। बीएसपी में क्या हित है आपको? पहले भी मान सम्मान बहन जी ने हमें बहुत दिया था, हमारे एक एक मंत्री को 10-10 पद दिए गए, विप्र समाज को बड़े सम्मान के साथ रखा उन्होंने। तो विप्र समाज तो बसपा के साथ आ गया, पूर्ण रूप से मन बना लिया है। 12 में क्यों चले गए छोड़कर? फिर बहक जाते हैं लोग, चले गए थे, बुद्धिजीवी है, उचित निर्णय लिया है, अपने समाज में बैठ करके अब निर्णय ले रहे हैं। अब निर्णय लेंगे बसपा के साथ? निर्णय तो हो चुका है, निर्णय तो हो चुका है कि बसपा आ रही है, 300 पार जा रही है, और ये जुमलों वालों की सरकार वर्तमान सरकार जाने वाली है। विरोधी तो कह रहे हैं बीएसपी कहीं है ही नहीं रेस में, खत्म हो गई। ये वो ही कह रहे हैं, गाँव की स्थिति देखो क्या है, बूथ पे वोट नहीं पड़ने वाले इनको, बसपा क्या खुल के वोट पड़ेगा? और बीजेपी का? बीजेपी की हालत तो इनको पता लग जाएगी चुनाव में। वो तो मंदिर का मुद्दा ला रहे हैं, मंदिर के जो मंदिर का मुद्दा था वो तो बहुत पुराना हो गया, घोटाला जो इनका था वो उजागर हो गया पब्लिक के सामने। धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, ये धर्म खतरे में, ये तो इन्होंने अपनी सेनाएं बना रखी है विभिन्न प्रकार की, वो सेनाएं लोगों के बीच में जाकर के भाईचारे को खत्म कर रही हैं, और हम लोग बसपा बारे भाईचारे को जोड़ने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं हिंदू धर्म खतरे में, बीजेपी ठीक कर सकती है। इन पे हिंदू धर्म छोड़ो, इन पे कोई धर्म ना बचो, ये तो केवल अपनी पर्सनल राजनीति पे उतारू है, इससे खराब सरकार वर्तमान में कभी नहीं आई है ऐसी। आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के एनकाउंटर हो रहे हैं, ठीक है, उनको मारा जा रहा, सरकार कह रही है कि गुंडा मुक्त किया जा रहा है। हम अपराधी के पक्ष में ना है, लेकिन निर्दोष ब्राह्मणों का जो एनकाउंटर हुआ है उसका जवाब कौन देगा? जो बहन बेटियां निर्दोष जेल में डाली गई है ब्राह्मणों की, उनका हिसाब कौन देगा? ये वर्तमान सरकार क्यों नहीं कह रही इस बात को? बेटियों के लिए तो सरकार बनी हुई है। कहां बचाओ बेटी, कहां ये नारा दे रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहां? वह खुशी दुबे ने क्या अपराध किया है मुझे बताओ ना, वो जेल में पड़ी हुई है,
मुझे बताइए ना आप, ये वर्तमान सरकार की कालगुजारी सबको पता लग गई है, ये आप समझ लीजिए। उनहत्तर हजार इन्होंने शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में विज्ञापन निकाला, एक साल से नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, एक साल से नियुक्ति पत्र, लोग दर दर जिलेबाज भटकते जा रहे हैं। लेकिन कोरोना आ गया ना उसके बीच में, कोरोना आ गया नहीं दीजिए, जिनके चुनाव के लिए कोरोना कैसे नहीं आया। चलिए सर, वैसे तो विरोध कर ही रहे हैं बीजेपी का, एक दो तो अच्छा काम बताइए ना, कुछ तो साढ़े चार साल में कुछ तो हुआ होगा भैया। कोई अच्छा काम इन ना करो, केवल लोग ठगने के अलावा कोई इन काम ना करो। ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, वो अच्छे नहीं लगे आपको? देखो ऐतिहासिक फैसले इनने ना ले लिए, ये इमारतों के बनाए क्या ऐतिहासिक फैसले लेंगे? जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रहे हैं ये तो, ये जनसंख्या नियंत्रण कानून अपने लिए क्यों ना लामे, जनता के लिए ही लामे, ये सबरे नेतन पर जनसंख्या कानून लगामे अपने लिए क्यों ना लगा रहे ये? बंगाल भी कहते योगी जी जय श्री राम करने के लिए, यहाँ करेंगे कहाँ? चलो इनको बताओ तुम, अरे हम तो जय श्री राम बोलने वाले, लेकिन सीताराम कौन बोलेगा? ये माता सीता जी को कैसे भूल रहे हैं? इनकी असलियत लोगों के बीच में आ गई है, इनका कोई काम चलने वाला नहीं है अब। सीताराम होना चाहिए, जय श्री राम होना चाहिए नारा। हम तो सीताराम बोलेंगे क्योंकि माँ के बिना तो कोई उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। जय श्री राम से क्या दिक्कत है, राम तो उसमें भी आ ही रहे हैं। हम तो ये कह रहे सीताराम में इनको क्या उत्पत्ति बता, दिक्कत क्या है? दास जी ने, महाकवि तुलसीदास जी ने लिखा है, ये जो मंदिर का निर्माण चल रहा है इसको कैसे देख रहे हैं? घोटाले की तो हुई भैया, के मंदिर को निर्माण अपने घर से ना करा रहे, चंदा इकट्ठो करो, गामन में लंबे थैला लेके घूम रहे भैया, चंदा इकट्ठो करो करोड़ों रुपया, इनकी सब पतो लग गई, सब पोल खुल गई इनकी, अब ये पब्लिक इनके बहकावे में आ रही ना कहूँ थे। मोदी जी आप जैसे युवाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। देखो जी मोदी जी तो बिल्कुल अब शांत है, ये सरकार मोदी सरकार नहीं है, ये तो अब जो कोऑपरेटरों की सरकार हो गई है, 9 महीना से दिल्ली में परे किसान एक शब्द सुनने को तैयार नहीं है। बहन जी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो परशुराम की 110 फीट ऊंची मूर्ति लगवाएंगे। भाई बहन जी ने, बहन जी बहुत अच्छा कदम है, बहन जी ने विप्र समाज को पहले से ही बहुत मान सम्मान दिया है, और विप्र समाज एक स्वाभिमानी समाज है, ये विप्र समाज किंग मेकर की भूमिका में है इस समय उत्तर प्रदेश में, और हम अपने साथ सभी भाइयों को जोड़ करके चलेंगे और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेंगे। हमारी मायावती जी बहन, मायावती जी नेता हैं, और सतीश चंद्र मिश्रा हमारे विप्र समाज के इतने बड़े एक नेता हैं, सड़क से लेकर के संसद तक। एक ब्राह्मणों की आपसे, बीएसपी में अनुशासन के लिए जानी जाती, क्या वजह अनुशासन क्यों रहता है बीएसपी में? देखिए कोई भी देश, कोई भी प्रदेश, कोई भी घर जब तक अनुशासन नहीं होगा चल नहीं सकता है। बहन जी स्वयं अनुशासित रही हैं, उनके सभी कार्यकर्ता, उनके पार्टी के सभी लीडर विशेष अनुशासन में ही काम करते हैं, और अनुशासन ही सबको अच्छा लगता है। देश में अनुशासन होगा, प्रदेश में अनुशासन होगा, तो प्रदेश अच्छा चलेगा।